इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसमें कई विषय उन्होंने सामने रखे थे। और उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन में किस तरह का इलाज होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो सब पेशेंट्स को पहले ही बताने का उसमें प्रोविजन था। और इवन जो डॉक्टर है उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, ये सब भी जानकारी देने का उसमें प्रोविजन था। फिर राइट टू रिकॉर्ड और पेशेंट भी था, जिसमें उस पेशेंट का जो इलाज हुआ है, उस इलाज के समय किस तरह का इलाज किया गया, किस फेज में किया गया, क्या क्या इंजेक्शन दिए गए, और कौन किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहा है, वो सब देने का प्रोविजन था। और वो बकायदा 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज, ये सब तमाम नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसको जो पेशेंट डिस्चार्ज होगा उसको दिया जाएगा। और डिस्चार्ज करने के बाद और तरह से उसमें नाराजगी भी बताई है कि जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसमें वो पेशेंट को छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि नहीं, आपको सबसे पहले आपको उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। वो आप जो भी इंजर्ड आदमी है, जो इंजर्ड इंजर्ड पेशेंट है, उसको ये करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से एक और था। फिर एक राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूर उसको बताया जाएगा, मतलब किसी भी होगा तो उसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहले सर गवर्नमेंट इसमें हमने देखा है कि कई बार लोग पेशेंट्स के ये मांगते हैं कि सिक लीव है, तो सिक लीव किस मतलब उनका जो चिट्ठी लिखी हुई है सिक लीव के लिए वो दी जाए, तो हम लोग उसमें मना करते हैं कि भाई उसमें अगर बीमारी का उल्लेख हो जाएगा, आपको ये जानने का हक है कि कितने दिन सिक लीव पर है, उससे इनकार नहीं है, ये आप जान सकते हैं। लेकिन क्या बीमारी है, किस वजह से वो सिक लीव पे थे, वो जानने का वो नहीं है। तो आप धारा 10 के तहत जो सिविलिटी क्लॉज है उसमें आप उतना पार्ट जो है जहाँ बीमारी का नाम आ रहा है उसको आप छुपा देंगे और बाकी आप दे सकते हैं। लेकिन और खास तो अगर वो नहीं दे, जहाँ से अगर कोई अगर जैसे दवाइयाँ, जैसे कई बार आप दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयों से मालूम पड़ जाएगा, अगर आप एड्स की दवा ले रहे हैं तो ये तो बाहर चली जाएगी अगर आपने दवाइयों का नाम दे दिया कि आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए कुछ चीजें जो है वो 81J के तहत देने योग्य नहीं है। और फिर राइट टू सेकंड ओपिनियन एक है इसमें सिटीजन, इसमें आप पेशेंट चार्टर्ड में उसमें आप सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं, और ये उसका हक है पेशेंट का और सेकंड ओपिनियन का। ये नहीं कि आपने एक बार किसी डॉक्टर के पास पहुंच गए तो उसी से इलाज कराना है। तो ये राइट टू ट्रांसपेरेंसी रेट्स और केयर का भी है पूरा, कि उस रे जो ट्रांस जो रेट्स जो दिए जाते हैं उस पेशेंट के, उसमें पूरा वो आइटमाइज डिटेल होगा उसका, वो बिलिंग में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। तो ये इस तरह से अच्छा, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन है कि आप मान लीजिए कि आपको कोई अगर ऐसी कोई कोई गंभीर बीमारी है, तो आपको कोई ये नहीं कि आपको छुआछूत के तर्ज पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि आप यहाँ नहीं आएंगे, या महिला कोई जेंडर के तौर पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन सकता भी है। आप ये नहीं कि एक बार आपका ये शुरू हो गया तो आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन उसमें रहेगा। और राइट टू चूज सोर्स फॉर ऑप्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट भी है।
हम अपना जो है मेडिसिन जो भी हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बता दिया तो एक पर्टिकुलर शॉप से वहां से आकर के ही लेना है, वो आप उसमें आप अपना परचेज कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन अगर डॉक्टर बोलता है कि ये करवाना है, इसमें टेस्ट करवाना है, तो आप डायग्नोस्टिक सेंटर अपना उसमें अपने पसंद के डायग्नोस्टिक सेंटर में जा सकते हैं। तो इस तरह से तमाम ये थे, लेकिन सवाल यही है कि इसमें जितनी जागरूकता आ जाए लोगों में, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती और डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता एक बहुत अलग लेवल पर है। मतलब जो लोग उस स्थिति से गुजरते हैं जहां उनकी जान बचती है डॉक्टर की वजह से, तो वो भगवान तुल्य है, क्योंकि आपका जो जान बचाने वाला होता है वो भगवान के रूप में ही देखा जाता है उसको। तो वैसे इसमें, और उसके बाद जब हम उसका दूसरा पहलू ये कि कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है सब चीजों का, और उसकी वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ी भी हैं, तो लोगों में जागरूकता की कमी होने की वजह से ये स्थिति बिगड़ी है। और अगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो है वो जितना हम लोग हेल्थ सेक्टर में खर्च करें, जैसा मैंने बताया कि हम लोग सिर्फ अभी तक 2% अपनी जीडीपी का ही दे पाए हैं, जो हेल्थ बजट में हम लोगों को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि देखिए, आप स्वस्थ रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, और उससे बड़ी चीज नहीं है। मतलब कोरोना में तो हमने देख लिया कि किस तरह से, मतलब इन्हें एक बीमारी जो है पूरी अर्थव्यवस्था को स्टैंड स्टिल कर सकती है, तो ये सबसे बड़ी चीज। और कोरोना ने तो, मतलब मैं कहता हूँ कि वो आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए। अगर वो देश जिसका हेल्थ सिस्टम अच्छा है, बेहतर है, तो वो सर्वाइव कर सकता है। और अभी तो ये एक कोरोना हुआ है, हो सकता है कि आने वाले समय में हम कुछ उसका और बहुत ही ऐसा रूप देखें जो इससे भी खतरनाक हो। तो इसकी इसलिए जरूरी है कि ये हेल्थ सिस्टम जो है अभी से वेल ऑइल्ड मशीनरी के रूप में काम करे, और जो व्यवस्था बनी हुई है नीचे तक गांव तक चले जाए। क्योंकि आपको शहरों में तो आप देखते हैं कि मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि कस्बों और उसके बाद जो बड़े शहर हैं भोपाल इंदौर, उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो वहां डॉक्टर तक इलाज कराने के लिए यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, भोपाल शिफ्ट होते हैं कि चिरायू हॉस्पिटल में इलाज कराएं। तो हेल्थ स्टैंडर्ड का जो ये है वो बहुत ही खराब स्तर पर है, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक नजर नहीं गई थी, और कोरोना की वजह से हमारी आंखें खुली हैं, सिस्टम की आंखें खुली हैं, और अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और लेकिन ये कि आप लोग अगर उसमें थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करेंगे और नजर रखेंगे अपने आसपास, खास तौर से ग्रामीण स्तर पर उसमें नजर रखेंगे, ब्लॉक स्तर पर नजर रखेंगे, तो वहां से सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। और नीचे अगर इम्प्रूव हो गया सिस्टम, तो आप यकीन मानिए ऊपर तक उसका असर जाता है। सर, मैं जनम पटेल अहमदाबाद से कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, बेसिकली जो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो जो मेडिसिन होती